गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर्स. इन दीज लेटर्स वी विल कवर प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड इंक्वायरी लेटर्स. फॉर्मेट ऑफ दीज लेटर्स, फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, देन इन द नेक्स्ट लाइन सिटी, देन लीव वन लाइन स्पेस, राइट डाउन डेट. डू नॉट राइट DATE, राइट डाउन डायरेक्ट डेट. दिस वी विल स्टडी इन द लेटर, एग्जाम्पल ऑफ लेटर. Then to whom you are writing the letter, according to name, post, the principal you can write, office, name of the school or college, or and city. After that you will write the subject, then sir. Subject and sir can be replaced. You can write first sir, then subject, then start the letter. Para 1, introductory para. We will give the introduction of the letter, about which you are going to write the letter, किस बारे में आप लिखने जा रहे हैं letter. Then second para is the main body of the letter. आप उस problem या फिर order या inquiry को explain करेंगे. Para 3 is the concluding paragraph, कि आप अपनी बात को sum up करेंगे, कि आप क्या क्या चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं, कब तक आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या इंक्वायरी के बारे में भी आप कंक्लूड करेंगे किस बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन कब तक चाहिए. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, आप थैंक यू करेंगे या रिगार्ड्स. देन योर सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली, ऑबिडेंटली, अकॉर्डिंग टू द लेटर. नेम एंड साइन, सेंडर्स नेम, सिग्नेचर होंगे फर्स्ट, देन सेंडर्स नेम एंड पोस्ट. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्डर प्लेसमेंट. सपोज यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल एंड यू हैव टू ऑर्डर अबाउट द टेक्स्ट बुक्स टू द पब्लिशर. देन हाउ यू विल राइट, फर्स्ट द सेंडर्स एड्रेस, नेशनल पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द स्कूल. डू नॉट राइट पोस्ट फर्स्ट. कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं लाइब्रेरियन नेशनल पब्लिक स्कूल, दैट इज़ रॉन्ग. एट द एंड ऑफ द लेटर व्हेन यू विल राइट योर नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट लिखेंगे. देन एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर डेट. आपको पहले बताया था मैंने, DATE वर्ड नहीं लिखना, डायरेक्ट डेट 26 अगस्त 2020, और यू कैन राइट अगस्त 26, 2020. आप इस तरह से डेट नहीं लिखेंगे, 26/8/2020, दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. आप नेम ऑफ द मंथ वर्ड्स में ही लिखेंगे. एड्रेस द मैनेजर, मैसेज धनपत राय एंड सन्स, न्यू दिल्ली. सर सब्जेक्ट, ऑर्डर फॉर द टेक्स्ट बुक्स, ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक्स. नाउ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, kindly arrange the supply at your earliest, the books for our school at the rates approved for the year 2020. The details of the books are as follows. Nahi aayega yahan par, follow aayega, that is wrong written. Then second paragraph, details of the letter or books, mathematics class 12th, KC Sisodia, quantity 50 copies chahiye aapko. Then science class 10th, JK Randhawa, 50 copies. English grammar class 9th, KP Thakur, 50 copies. Writer's name, both quantity and class. Hindi Vitan class 8th, NCERT, 30 copies. Then concluding paragraph, it must be ensured that the latest editions of books are being supplied. कि आप इंश्योर करके भेजेंगे कि आप जो हमें बुक्स भेज रहे हैं वो लेटेस्ट ही भेज रहे हैं, ओल्ड एडिशंस नहीं भेज रहे. काइंडली एड एक्स्ट्रा 5% स्टूडेंट्स कंसेशन. पेमेंट विल बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय द प्रिंसिपल. थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, राघवन, लाइब्रेरियन. पोस्ट आ गई, नेम, सिग्नेचर आप पहले डाल सकते हैं, नेशनल पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़. क्लियर? सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट,
In the exam, you can get any type of the order, order of stationery, order of blankets, anything. You are able to write minimum 3 paragraphs you have to write with correct format, which we have already discussed for the business letters. Then another letter is making inquiries. Format is the same as it is also business letter. You first write the sender's address, self address isko bolte hain, 119 Mall Road, Shimla. This address maximum time is given in the statement. Ye address statement mein diya hua hota hai. Otherwise you are free to write down 119 Mall Road, Shimla. Then leave one line space, date 26th August 2020. Then leave one line space, post, the director, computer point, Chandigarh. You have to inquire about the short-term course in the computer course. Sir, subject, a short-term course in computer programming. Computer programming mein karna hai aapko course. First paragraph, I have seen the advertisement in the Tribune regarding the above-mentioned course. Above-mentioned, that is mentioned in the subject. I have just passed All India CBSE examination for 10th class. Abhi 10th class pass ki hai. I am interested in doing a short-term course in computer programming during my summer vacation. However, before joining the course, I would like to know the following details. Now the details, duration of the course and fees. कि फीस और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या रहेगी, कितने समय का रहेगा और आपका फीस कितनी रहेगी. वेदर द फी रिसीव्ड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स, कि आप डायरेक्ट फुल फीस ले लेते हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट मंथ 15 डेज के बाद या वन मंथ के बाद आप कुछ इंस्टॉलमेंट लेंगे. थर्ड पॉइंट, वेदर अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इज़ इशूड, कि आपका ये जो कोर्स है अप्रूव्ड है या नहीं, कि करने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं. रिकॉग्निशन एंड इट्स वैलिडिटी, आपका कोर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल से है, उसकी कोई वैलिडिटी इम्पोर्टेंस है और कुछ टाइम पीरियड तक वैलिड है तो आप बताएंगे. टाइमिंग्स एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि इस कोर्स के जो क्लासेस हैं किस समय से किस समय तक होंगी, कितने दिनों तक होंगी, मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे, तो और टाइमिंग्स मॉर्निंग होंगे इवनिंग होंगे अकॉर्डिंगली. नाउ 6 पॉइंट, वेदर कॉरेस्पॉन्डेंस और पोस्टल फैसिलिटी अवेलेबल. रेगुलर कोर्स के अलावा ऐसे स्मॉल शॉर्ट कोर्सेज कॉरेस्पॉन्डेंस से भी किए जा सकते हैं, कि मटेरियल आपको भेज दिया जाए और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दें, तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है या नहीं. इफ़ यू हैव एनी प्रिंटेड मटेरियल फॉर द इंफॉर्मेशन और कोर्स, काइंडली सेंड इट टू मी सेल्फ एड्रेस्ड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड, एनवेलप इज़ enclosed for the purpose. तो आपकी लेटर को पूरी इम्पोर्टेंस दी जाए, तो इसलिए आपने पहले से ही एक खाली लिफाफा जिसके ऊपर एड्रेस और स्टैम्प टिकट लगी हुई है आपने साथ में लगा दिया है. An early response will enable me to join your course immediately. अगर आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है तो आप इस लिफाफे में डालकर भेज दीजिए तो मुझे इससे कोर्स को ज्वाइन करने में हेल्प मिलेगी. Then yours truly, Anil. As it is your individual personal letter, so there will be no post. Dear students, इस तरह की लेटर किसी भी कोर्स के लिए आ सकती है. वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो सकता है, कोई आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स हो सकता है जो आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं. तो इस तरह से पॉइंट्स में आप अपने क्वेश्चंस की इंक्वायरी कर सकते हैं. अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो यू कैन इवन ऐड वेदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल और नॉट.
रिवाइज दिस लेटर्स। इंक्वायरीज सिर्फ कोर्स की ही नहीं होती, किसी भी तरह की इंक्वायरी पूछताछ आप कर सकते हैं। इसमें हम एक और लेटर करेंगे जिसमें आप स्कूल से टूर ले जाना चाहते हैं, तो टूर के लिए आप इंक्वायरी कैसे करेंगे। अदर देन टूर एंड कोर्स भी आपकी इंक्वायरी आ सकती है, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा बिजनेस लेटर का, सेल्फ एड्रेस, टू होम यू आर राइटिंग, सब्जेक्ट एट्सेट्रा एंड योर सिंसियरली। थैंक यू। रिवाइज एंड मेंटेन योर नोटबुक्स।